आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर आज अतीक अहमद के नारे लगाए गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के बाहर आज मुस्लिम समुदाय के लोग शहीद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि रमजान माह चल रहा है और आज आखिरी दिन है। इसी बीच आज जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि शहीद अतीक अहमद अमर रहे, कि खूब नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी किया जा रहा है, योगी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यूपी के माफिया डॉन के नाम से जाने जाते थे अतीक अहमद, और उनका इनकाउंटर कर दिया गया। पत्रकार के वेश में ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी और इसी बीच अतीक अहमद को मारा गया था। अतीक अहमद से पहले उनके बेटे असद अहमद का भी इनकाउंटर किया गया था, जिसके बाद से अतीक अहमद टूट गए थे। और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे अतीक अहमद, उसी बीच उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। जिसको लेकर आज आपको बता दें कि पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा नारेबाजी किया जा रहा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया जा रहा। और कहा जा रहा है कि ये प्रशासन के मिली जुली भगत के बाद से अतीक अहमद का इनकाउंटर कर दिया गया है। अतीक अहमद अपराधी है, डॉन है, कुछ भी है, उसके लिए कोर्ट है, वहाँ उनको सजा मिलती, लेकिन इस तरीके से इनकाउंटर करना ये यूपी सरकार का साजिश है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, आपको हम वो भी सुनाएंगे। और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो पटना जंक्शन की जामा मस्जिद का है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीक अहमद अमर रहे, शहीद अतीक अहमद अमर रहे। तो पहले आप वो पूरी तस्वीर देखें। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में। उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अपना पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या। मुस्लिम समुदाय के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये प्लांट वे में अतीक अहमद का इनकाउंटर किया गया है। इसमें यूपी सरकार भी शामिल है, प्रशासन शामिल है, कोर्ट, मीडिया, सब लोग की मिली जुली भगत से इनकाउंटर किया गया है अतीक अहमद और अशद अहमद का। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आज हमारा आखिरी दिन है और हमने दुआ किया है अशद अहमद और अतीक अहमद का। इसी के साथ साथ आपने तस्वीर में भी देखा कि किस तरीके से शहीद अतीक अहमद अमर रहे के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की वजह से उन लोगों का इनकाउंटर किया गया है।
अपराधी हैं, मानते हैं, लेकिन उसके लिए जेल है, कोर्ट है, जज है, लेकिन इस तरीके से इनकाउंटर करना ये कहां तक सही है। सब लोगों ने मिलकर साजिश की है अतीक अहमद के खिलाफ और आज हम लोगों ने दुआ किया है अतीक अहमद और अरशद अहमद के लिए। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।